नमस्कार प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं क्या है आज की फिल्मी खबर। इसमें मैं पॉजिटिव कैरेक्टर कर रही हूँ, लीड में हूँ, और मुझे कुछ नहीं पता क्या होती है दुनियादारी क्या नहीं है, कुछ भी नहीं पता, नथिंग। और इस मूवी के बारे में बात करें तो बहुत साफ सुथरी मूवी है और अच्छी है। डेब्यू मूवी आपकी है हिंदी? यस। तो कैसे ये मतलब डेब्यू मूवी काफ़ी स्पेशल होता है किसी आर्टिस्ट के लिए, तो आपके लिए कितना फर्क है? एक होता है ना कि लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ, बस सब कुछ होते गया। बहुत ही मज़ा आया लेकिन इस मूवी को करके, और आई होप सो कि बहुत ही अच्छी रहे। मैं अनुभव क्या बताऊँ, सारे एक्सपीरियंस मेरे हो चुके हैं क्योंकि गाँव से मैं पली बड़ी हूँ, तो सब गाँव में शूटिंग थी और बहुत मज़ा आया था क्योंकि जहाँ पे हम लोग शूट कर रहे थे वहाँ पे बहुत दूर जाना था, समझ में नहीं आता था कहाँ जाए कैसे करें, और बस होता ही गया क्योंकि मैं गांव से पली बड़ी हूँ, इसलिए गांव में अच्छे से शूट कर लिया हम लोगों ने। तो ये बताइए कि आपका जो किरदार है उस किरदार के अनुसार कि वो किरदार में क्या दिखाने की कोशिश, किरदार के माध्यम से क्या दिखाने की कोशिश कर रही है? ये हमारा है कि आप कभी भी हमेशा किसी के बारे में अगर सोचते हो कि यार हम उसके साथ ऐसा करके आगे बढ़ जाएंगे, कभी नहीं होता ऐसा। आप गलत करोगे हमेशा आपके साथ गलत ही होगा, बस वही है मेरा किरदार कि मैं कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती, हमेशा सीधी साधी सिंपल सी लड़की हूँ और अच्छा ही होते गया। नहीं, मैंने अभी फिलहाल एक कबड्डी मूवी की है और यस वो रिलीज़ भी हो चुकी थी। एक्चुअली मैं पहले भी हमारा जो डायरेक्टर साहब है संदीप सोलंकी उसके साथ काफ़ी काम कर चुकी हूँ मैं, और इसमें भी मुझे बुलाया, मेरा मान रखा, मैंने भी उसका मान रखा और इसी हिसाब से मैं जुड़ गई। हाँ, इसमें मम्मी का रोल निभा रही हूँ मैं, जो हीरोइन है, मेन हीरोइन लीड का मम्मी का कैरेक्टर निभा रही है। हाँ, मेरे लिए एक्चुअली मम्मी का रोल मैंने आज तक किया नहीं था, लीड हीरोइन, मतलब मैं काफ़ी 11 साल से हूँ फिल्म इंडस्ट्री में और मम्मी का रोल किया नहीं था, फर्स्ट टाइम किया था, लेकिन मेरे लिए बहुत डिफरेंस भी था, पर हमारा जो डायरेक्टर साहब है संदीप सोलंकी उसने समझा बुझा के मस्त और अच्छे से कर भी लिया मैंने, और अच्छे से हो गया शूटिंग। शूटिंग हुई महाराष्ट्र बुलढाणा में हुई, आदि और आदिभुज में। नहीं, ये एक्चुअली सब लोग बोल रहे हैं कि अंधविश्वास है, अंधविश्वास नहीं है जरा भी, क्योंकि ये मेरा खुद का भी एक क्या बोलते हैं ना, वो ब्लैक मैजिक करते हैं, ये ब्लैक मैजिक जैसा सब बोल रहे हैं कि है, लेकिन है नहीं खुद ब्लैक मैजिक खुद, और मैं खुद भी बहुत बीमार भी पड़ गई थी बीच में, और मुझे भी लगा कि नहीं ये गलत है ये, पर मेरा खुद का जो बीमार पड़ गए थे डॉक्टर ने भी ना बोल दिया था मुझे कि आप मतलब अभी कुछ होगा नहीं, ये है वो है डॉक्टर बोलते रहते, फिर मुझे भी सैलानी बाबा के ऊपर श्रद्धा थी पूरी, तो बस मैं ठीक हो गई, फिर रिपोर्ट वगैरह करवाया तो भी सैलानी बाबा के श्रद्धा के उसके आशीर्वाद से मैं ठीक हो गई। मैं सिर्फ प्रिया सिंह एंड ये फिल्म करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इसमें जो मेरा करेक्टर इज वेरी पावरफुल करेक्टर, इसमें मैं मेन खलनायिका हूँ एंड मिस वर्ल्ड हूँ, एंड संदीप सोलंकी एंड मोना शर्मा जी ने बहुत अच्छा काम किया। चुनौती बहुत टफ थी, बट मुझे आदत है टफ से लड़ना, ये शायद मीडिया जानती होगी कि मैं टफ से लड़ती हूँ, तो टफ से लड़ना मुझे आदत है, और बहुत बड़ी चुनौती थी, और हमने भुज में शूट किया, बहुत प्रॉब्लम्स आई बट ठीक है, जंग जीत गए। अगर उसकी बात करें फिल्म से हटके अगर बात की जाए, हाँ, तो आप रियल में भी खलनायिका का किरदार आपका देखने को मिला कुछ टाइम पहले, काफ़ी आप कॉन्ट्रोवर्सीज में आ गई थी राखी सावंत को लेकर, उसके ऊपर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, राखी सावंत के मैटर पे एक ही बात कहना चाहूँगी कि राखी सावंत ने वहाँ पे एक गलत ट्रक उठाया था जिसको उसने मारा, गलत कह रहा, मैंने वहाँ पे सच्चाई का साथ दिया था, क्योंकि मुझे नहीं मतलब राखी सावंत कौन है क्या, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट उसने
मतलब कहते कि एक सही इंसान को गलत साबित करने की कोशिश की, तो मैंने बोला कि वो सही इंसान है, गलत नहीं है। इसलिए जो पंगा हुआ वो तो आप सब ने मीडिया में देखा होगा कि राखी सावंत का मेरा क्या होगा। विषय है उसके बताइए कि किस तरह से प्रेरित करके लोगों को, अगर कोई सोशल विषय आएगा तो जनरली बेसिकली इट्स अ स्पिरिचुअल ड्रामा, इट्स अ कमर्शियल ड्रामा बेसिकली, बट वी आर फोकस्ड अ सुपर नेचुरल पावर ऑफ सैलानी बाबा। जैसे सैलानी बाबा बुल्ढाना महाराष्ट्र के अंदर सैलानी गांव है, वहाँ पे बेस्ड है, उनके एक पावर के बारे में हम लोग ने एक पॉइंट उठाया और उसके ऊपर की कमर्शियल मूवी। तो क्या दिखाना गया है कि जो रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, क्या उनका एक पॉजिटिव इमेज होता है ये दिखाना है कि उसके इस फिल्म के द्वारा? नहीं, जनरली लोग श्रद्धा अंश्रद्धा पे बिलीव बहुत करते हैं। हम चाहें तो श्रद्धा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, अंश्रद्धा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन ये जो पावर है सैलानी बाबा का, वहाँ पे पूरे जस्टिफिकेशन के वेर इज़ द श्रद्धा, एग्जैक्टली श्रद्धा क्या है, अंश्रद्धा है, बट उसके ऊपर का जो पावर है, किस तरह से सैलानी बाबा के सामने हार जाता है, दिस इज व्हाट अबाउट द फिल्म इज। नहीं, मैं एक्चुअली बुल्ढाना गई थी फर्स्ट टाइम, जब वहाँ पर गई मैं, तो मुझे वहाँ का जो भी एक्सपीरियंसेस हुए वहाँ पर, वहाँ की कुछ वाइब्रेशंस, लाइक यू नो इट्स पॉजिटिव, क्वाइट पॉजिटिव, एंड आई जस्ट फेल्ट लाइक यू नो कि इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ पब्लिक के सामने आना चाहिए, क्योंकि वहाँ मैंने देखा लोगों को इलाज होते हुए, तरह तरह के अमीर गरीब हर तरह के लोग थे, कोई पैर से नहीं चल रहा, किसी के ऊपर जादू टोना है, किसी के ऊपर भूत प्रेत है, तो मैंने देखा, मैंने कहा ये मतलब बहुत पॉजिटिव वहाँ की वाइब्रेशंस हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं वहाँ पर आसपास, तो मुझे लगा मुझे इसको इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। एक्चुअली इस फिल्म में एक किरदार है जिसका नाम है बादशाह खान, जो एक मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है, और जो मेन लीड इसमें है उसके छोटे भाई को वो कुछ लोन देता है, जैसे एक काइंड ऑफ एक नेगेटिव कैरेक्टर है। या तो ये बताइए कितनी बड़ी चुनौती थी इस रोल को प्ले करना, नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, कितनी बड़ी चुनौती थी ये रोल प्ले करना आपके लिए? एक्चुअली मैंने इस तरह के किरदार बहुत सारे किए हैं, जी हाँ, जैसे लाइक हल्ला बोल, बुड्ढा होगा तेरा बाप, डिपार्टमेंट, बहुत सारी फिल्में की हैं, लेकिन एक तरह से ये बहुत ही चैलेंजिंग था क्योंकि एक स्पिरिचुअल सब्जेक्ट है जिसके जिसमें एक नया एक्सपीरियंस मिला कि एक कह सकते हो आपकी नेचुरल पावर के अगेंस्ट में वो विलेन का भी क्या हाल होता है, वो बाबा की पावर है उसके वजह से वो मतलब प्ले करना एक काफ़ी चैलेंजिंग रोल था, बट हमारे डायरेक्टर और हमारी टीम के सहयोग से काफ़ी अच्छा। फिल्म का किरदार क्या है आपका और फिल्म का जो पृष्ठभूमि क्या है, किस तरह की कहानी है फिल्म? पहले तो इस फिल्म में जो मेरा किरदार है वो एक मेन लीड रोल है, जो एक डॉक्टर का रोल है। जब मुझे ये कहानी सुनाई गई तब मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि क्या ये अंधश्रद्धा को बढ़ावा दे रही है, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि इसमें इस तरीके के जो चमत्कारिक जो घटनाएं हैं उसके हिसाब से मैंने देखा। फिर जाके मैंने इस पर ज़्यादा एनालिसिस किया, देखा, चीज़ को समझा, उसके ऊपर वर्कशॉप किया, तब पता चला कि नहीं, इस देश का एक तिहाई जो लोग है वो इस चीज़ से पीड़ित है। जो लोग इतने पीड़ित है उनको उनमें से निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो समझदार वर्ग है चलो समझ सकता है कुछ चीज़ों को, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ को बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ सकते उन चीज़ों को, और उन दलदल में इतने फंसे हुए हैं कि उनमें से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम एक छोटी सी बात नहीं है लेकिन बड़ी सी बात एक समझ सकते हैं कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा, और देखा जाए तो श्रद्धा और अंधश्रद्धा में भेद क्या है वो भी हमें भी नहीं पता है, फिर भी तो उस चीज़ को हम मध्य नज़र रखते हुए हमने सोचा कि चलो ये इस चीज़ में कुछ दम है। दम इसलिए है कि वो बाबा के जो स्पिरिचुअल जो जो एक ताकत है, एक पावर है, आदमी को आदमी इंसान वैसे कमज़ोर है, आप खुद भी समझ सकते हैं कि इंसान है 9 महीने के बाद चल सकता है और जानवर का बच्चा 1 दिन में 1 घंटे में भी चलने शुरू हो जाता है, तो यहाँ इंसान इतना कमज़ोर है, तो उस कमज़ोरी को ठीक करने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है जो अज्ञात है, जो अलौकिक है, हम जो कुछ भी बोल सकते हैं उसके लिए। तो हमने सोचा कि नहीं, ये चीज़ ऐसी है कि आदमी के पास ये मूवी जाए तो वो उनसे दे उनको जो चीज़ें जो ऐसे तांत्रिक है बाबा है जो लोगों को फंसाते हैं, प्रॉब्लम करवाते हैं, उनमें से निकलने का जरिया क्या है, तो वो जरिया क्या है वो इस मूवी में दिखाया गया। पहले आप। हाँ, मेरा नाम है विनोद कल्याण जी सोलंकी, मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, और मैंने ये सैलानी बाबा फिल्म की है। उससे पहले मैंने काफ़ी फिल्में की है, मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है, धर्म जी के साथ भी फिल्में की है, काफ़ी कुछ किया हुआ है, और अभी ये जो सैलानी बाबा ने मुझे 30 साल के बाद ऐसा अच्छा ब्रेक मिला है, तांत्रिक का रोल करने का मौका मिला है,
और डायरेक्टर साहब संदीप सोलंकी जी ने मेरे ऊपर काफ़ी मेहनत की हुई है इस रोल के लिए और मैंने काफ़ी मेहनत की हुई है। थोड़ा सा अपनी भूमिका के बारे में बताएंगे कुछ? हाँ, ये भूमिका जो है अभी जैसे आप देख रहे हैं कि आप मीडिया में बहुत से तांत्रिक बाबा और ऐसे बाबा लोग जो है फ्रॉड बाबा लोग जो ऐसे परिवार को फना कर देते हैं तो इसके अंदर ऐसा है कि एक डॉक्टर और एक परिवार की फैमिली है तो उस फैमिली में ये जो तांत्रिक बाबा है वो उस फैमिली को किस तरीके से फना करता है और कैसे उसके ऊपर तांत्रिक विद्या करता है और वो तांत्रिक विद्या के माध्यम से उस परिवार को तोड़ता है। और उसके अलावा काफ़ी ऐसे कुछ सीन्स है जो लोगों के दिमाग के ऊपर चोट पहुंचा सकता है। और अभी जब ये रोल करने से पहले मैंने काफ़ी फिल्में देखी, अमरीश पुरी, रजा मुराद, शक्ति कपूर वगैरह जो पहले की फिल्में होती थी उसमें जो आज की जो फिल्में हैं और पहले की, अभी क्या डिजिटल मीडिया आ गया तो अभी जो इसके अंदर जो छोटा बच्चा या कुछ ऐसे लोग रहेंगे तो डर जाएंगे। इसके अंदर जो डायरेक्टर संदीप सोलंकी जी ने काफ़ी मेहनत की हुई है, लास्ट 10 साल से मुझे लगता है ऐसी हॉरर या ऐसी तांत्रिक के ऊपर फिल्म नहीं बनी है और मुझे बहुत ही खुशी है, बहुत ही आनंद है कि इस फिल्म में काफ़ी जो है कुछ लोगों को देखने लायक है और ख़ास करके महिलाओं को, लेडीज़ों को जो हम देखते हैं अड़ोस पड़ोस में भाई भाई में झगड़े होते हैं, तांत्रिक को कैसा तांत्रिक का सहारा लेके घर को फना करते हैं, इस भूमिका में इस तरीके का रोल है सर। आपने तो काफ़ी कुछ बता दिया फिल्म के बारे में, अपनी भूमिका के बारे में, अब आप बताइए कि आप स्वयं मानते हैं इस तरह की तांत्रिक चीज़ें होती हैं और होती हैं तो कितनी सही होती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल धार्मिक हूँ, मैंने जो इसमें रोल किया लोग तो मुझे गालियाँ देंगे लेकिन मैं बिल्कुल इस तरीके का नहीं हूँ। एक सीन मैं याद दिलाऊँ आपको, हम गुजरात भुज में कर रहे थे, सावन महीने का पहला ही दिन अमाउस था और रियल शमशान भूमि के अंदर वो रोल करना था, लेकिन मेरे बुजुर्ग कहते थे कि बेटा जो अकाल मृत्यु एक्सीडेंट से जो मृत्यु होती है उनको अमाउस के दिन दोपहर को 1 बजे कभी भी शमशान में या कोई सोया हुआ, कोई अगर कोई खसखू दिमाग का सोया हुआ इंसान हो ना उसको जगाओ तो भी वो भड़क जाता है, तो ऐसी आत्माएं भड़क जाती है। और उस वक्त ऐसा कुछ डायरेक्टर साहब का और मेरा थोड़ा इसमें मतभेद चल रहा था, मैं बोला मैं ये सीन नहीं करूँगा, मैं लंच के बाद करूँगा, 3 बजे करूँगा, 1 बजे का टाइम निकल जाने दो, ऐसे करके कुछ हुआ हादसा और वो 2 घंटे का टाइम निकल गया और मैंने वो शमशान भूमि के अंदर रियल में वो सीन किया। मैं तो शिव भक्त हूँ और ऐसे तो मैं ये सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ, ये सब कर्मकांड वगैरह, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे, इसमें मैंने दिखाया है खोपड़ी वगैरह जो कुछ हो सकता है, मिक्स मैरिज जम होते हैं, फिर उसके बाद वशीकरण होता है, फ़ोटो के ऊपर वशीकरण करते हैं। मैंने काफ़ी रिसर्च किया है ये फिल्म के लिए, मैंने 3-4 महीना उसके ऊपर रिसर्च करके उसके बाद मैं फ्लोर पे गया और काफ़ी मज़ा आया और बहुत ही, आप देखेंगे फिल्म तो आपको मज़ा आएगा, उसके अलावा बहुत कुछ है कहने के लिए। थैंक यू। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।